एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. सो आई नो बहुत दिनों के बाद आई एम डूइंग व्लॉगिंग. लाइक अभी तो मैं आई थिंक कितना डेढ़ महीना से मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया है. मुझे नहीं पता आप ये वाला व्लॉग कब देखने वाले हैं, बट आई थिंक या तो आप मेरे 9th मंथ चल रहा होगा तब आप ये देखोगे. मैंने सोचा अभी मैंने इससे पहले 4 वीडियोज में बना चुकी हूँ, जो मैंने सिट डाउन वीडियोज बनाए थे, जो मैंने मेंशन करके रखे हैं, मतलब लिख करके रखे हैं, दिस इज माय प्रेगनेंसी जर्नल. एक एक चीज फ्रॉम द स्टार्टिंग डे टू अब तक का मैंने हर एक चीज इसमें फिल करके रखी है. मैंने क्या शॉपिंग करी है इस बीच में, क्या बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, क्या मैं लो फील करी हूँ, मेरे सिम्टम्स. देखिए इसमें मैंने ना अपनी फैमिली फोटोज लगा करके रखी है, मतलब ये पूरी फोटो जर्नल है. ऐसे मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ, यहाँ पर नोट्स, कोटेशन, स्टिकर्स, कोटेशंस डाल रही हूँ, सो दैट अगर मैं आगे चल के 20 साल बाद 25 साल बाद भी इसको देखूँ. क्योंकि आप मोबाइल में तो मेमोरीज ले रहे हो, बट वो एक डिजिटल, देखो डिजिटल मीडिया है बहुत अच्छी चीज़, आप उसमें बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हो, बट वो कब सट से चला जाएगा. लेकिन जो ये हमारी मैनुअल चीज़ों की बात है ना, एल्बम्स हो गए, जो हम ये खुद हाथ से लिखते हैं, हाथ से क्रिएट किया हुआ है, उसकी बात ही अलग होती है. जैसे आज भी हम देखो ना अपने पेरेंट्स का एल्बम देखते हैं पुराना खुल खुल, कितना मज़ा आता है. तो बस इसलिए मैंने ये बना के रखा है कि मुझे याद रहे कि हाँ 20 साल बाद 25 साल बाद जब मैं इसको खोल के देखूँ, 10 साल बाद या 5 साल बाद जब भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगे देख करके. तो आज के व्लॉग में मैं क्या बताने वाली हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बताने वाली हूँ. आप ये जब व्लॉग देखोगे, मेरा अभी 8th मंथ चल रहा है, 8th मंथ स्टार्ट हुए, मुझे 2-3 दिन हो गए हैं. तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ थोड़ा बहुत. और इसके बाद भी मैं व्लॉग्स एक दो और बनाऊंगी कि मैं बेसिकली क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ. तो 7th मंथ खत्म होते, मतलब मैंने 6 मंथ तक अपना ऑब्वियसली जो जर्नी है वो मुंबई भोपाल बहुत किया है. बट मेरे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लिया हुआ है, तो जो मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं 7th मंथ से, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ट्रैवल नहीं करना है. तो मैं 7th मंथ से यहाँ पर आ गई थी, तो मेरा 1 महीना यहाँ पर हो गया है और अभी मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है. सो ऑब्वियसली अब मैं पूरा यहीं रहने वाली हूँ. 9th मंथ जो है वो ऑब्वियसली अप एंड डाउन कर रहा है, उसका काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी वगैरह सब कुछ हो गया है. क्योंकि मैं तो चलो आज के रुक जाती हूँ और मैं वहाँ भी जाती हूँ तो मैं रिलैक्स ही मोड में रहती हूँ, बट उसका जॉब पे जाना, इतने घंटे ट्रैवल करना, वो सब करना, मतलब कमेंडेबल. एंड इस पूरे 1.5 ईयर की जर्नी में ही नेवर क्रिप्ड अबाउट एनीथिंग. मतलब मुझे लगता है कोई और लड़का होता ना तो कुछ शायद क्रिप कर लेता कि तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, वट एवर इट इज़, बट ही नेवर क्रिप अबाउट एनीथिंग. तो मेरे लिए तो एज अ वाइफ वो तो करेगा ही करेगा, है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता ही करता है. जो बहुत अच्छे इन-लॉज होते हैं वो भी अपनी बहू के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, बट लड़की के साथ साथ उसके पेरेंट्स के लिए करना इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी रेयर थिंग. इसको एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आप सोचो कि कितना अच्छा टाइमिंग है ये, जो अभी टाइमिंग हुआ है. डेफिनेटली मेरे पापा ने जो सफ़र किया है वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं अलग रख लूँ. मैं वही बता रही हूँ, हम इसको पॉजिटिव सेंस में सोचें. सो लुक एट द टाइमिंग, आई एम इन माई प्रेगनेंसी, फुल फ्लेज्ड प्रेगनेंसी, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, आई एम लिविंग विद माई इन-लॉज, आई एम लिविंग विद 4 ऑफ माई पेरेंट्स. मतलब दोनों मम्मियाँ बिल्कुल मुझे खाना बना के दे रही है, कोई कुछ बना के देता है, कोई कुछ बना के देता है, मेरे मुँह से कुछ निकलता है और मेरे को बना के देते हैं. सो मेरी मदर उन्होंने इतने यमी गुलाब जामुन बनाती हैं, वो गुलाब जामुन बनाए हैं, पिक्चर डाल दूँगी मैं यहाँ पर. और मेरी जो मासी है उन्होंने मेरे लिए लड्डू बना के भेजे हैं बेसन के. फिर उसके बाद मेरी मम्मी है, वो नाश्ते में कुछ ना कुछ जो मैं डिमांड करती हूँ वो बनाती ही रहती हैं. उसके बाद मेरे फादर इन लॉ बोलते रहते हैं तुम्हें जो खाने का मन करे वो बताओ, वो तुम्हारे लिए बनाया जाएगा. मेरे फादर इन लॉ ने अभी इतनी टेस्टी कचौरी बनाई थी थोड़े दिन पहले ही, तो उसकी मैं पिक्चर डालती हूँ यहाँ पर. तो मतलब इतना टेस्टी टेस्टी खाना है, तो बाहर का तो मैं खा ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ. और आप लोगों को खाना नहीं भी चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करिए बाहर का खाना. मैं आपको मैं जो बुक्स रीड कर रही हूँ ना, आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में बताऊँगी, बहुत अमेजिंग है ना, हाईली रिकमेंड यू. मतलब इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेगनेंट ना, देन ऑल्सो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इतनी ज़बरदस्त बुक है. हाँ, तो मेरा एक फोटोशूट जो है जो हमने खुद से करा है, वो मेरा फोटोशूट मैंने कर लिया है. तो जो मेटर्निटी प्रोफेशनल फोटोशूट्स होते हैं वो मैं नहीं करवा रही हूँ, उसका 2-3 रीज़न है मैं आपको बताती हूँ. जिस एडिटेड फोटोज देते हैं, इंडोर एक शूट होता है और एक आउटडोर शूट होता है, दैट्स इट. तो ये था कि यार मेरे पास अच्छा खासा कैमरा है, ये जो कैमरे में आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे पास एक लेंस है जो कि बहुत अच्छा लेंस है, जिससे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हो. मेरे पास ड्रेस ऑलरेडी है, मेरे पास सब कुछ है, मेकअप मैं खुद कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल मैं खुद कर लेती हूँ, तो फिर मैं क्यों किसी को अलग से इतना. इसमें से हार्ड कॉपी भी नहीं मिलती, आपको सिर्फ 25 डिजिटल कॉपीज मिलती है. एडिटिंग के लिए मेरे पास तगड़े सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, तो वाई वुड आई वेस्ट मनी. मतलब मुझे उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था ना. किसी का बेबी बम काफ़ी लेट होता है, ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो मेरा 6 मंथ से काफ़ी दिखने लगा था.
तो मैंने 6 मंथ में और 7 मंथ के एंड में फ़ोटोशूट अपना कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि 8 मंथ से थोड़ी थकान होने लगती है और थोड़ा सा आपको हैवीनेस लगने लगती है, विच आई एम एक्चुअली फीलिंग दीज डेज, बोलते बोलते थक रही हूँ. ओके गाइज, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फ्यू थिंग्स. तो जैसे कि अभी आपको बताइए कि विंटर्स बस आने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, ठंडक होना स्टार्ट हो गई है सुबह शाम की. तो जब विंटर्स आते हैं तो इट कम्स विथ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स, जैसे कि ड्राई लिप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ड्राई लिप्स आपका जो लुक होता है ना वो पूरा इतना ज्यादा डल और इनकम्प्लीट सा बना देता है. रेगुलर लिप बाम से आपके लिप्स स्मूथ तो हो जाते हैं, बट मुझे यूजुअली थोड़ा सा, क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह करती रहती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो लिपस्टिक लगाने से ज्यादा अच्छा मैं प्रिफर करती हूँ कि दिन भर एक हल्का सा टिंट मेरे लिप्स पे आ जाए, और जो कि नेचुरली भी रहे. अगर आपने नोटिस किया होगी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है उसे काफी दिन पहले से मैं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हर्बल पे स्विच कर चुकी थी. मैं कोई भी टॉक्सिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रही हूँ, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ. बट नाउ बीटरूट रोज एंड चेरी इन्फ्यूज मामाअर्थ नरिशिंग लिप बाम, आई फाउंड अ सेवियर. द लिप बाम इन्फ्यूज्ड विद 100% नेचुरल गुडनेस ऑफ शिया बटर एंड कोकोनट ऑयल, जिसकी वजह से मेरे लिप्स काफी नरिश्ड, सपल एंड एट द सेम टाइम कलरफुल भी रहेंगे. ये जो लिप बाम्स है ये आपके लिप्स पे बहुत ही अच्छा रोजी पिंक बीटरूट वाला जो कलर होता है ना वो देते हैं, एंड साथ ही साथ ये नॉन टिंटेड वेरिएंट में भी आता है. तो अगर आपको जैसे कि रात में लगाना है तो आप रात में लगा करके सो जाइए, नॉन टिंटेड वेरिएंट होता है. दिन भर आपको लगा के रहना है, ऑफिस जाना है, आप शूट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप टिंटेड वर्जन लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी लगा करके रखा हुआ है. बेस्ट फैक्टर ये है कि ये जो लिप बाम्स है ये काफी अफोर्डेबल रेट में आते हैं, तो आप सारे वेरिएंट भी लेकर के रख सकते हैं, अलग अलग वेरायटी में लगा सकते हैं ये लिप बाम्स. These lip balm are 100% toxin free and made with goodness of natural ingredients. अब इसमें देखिए अलग अलग वेरिएंट है, जैसे कि ये बीटरूट वाला वेरिएंट है, तो इसको मैं तब लगा सकती हूँ जब मुझे बाहर शॉपिंग में जाना है या मुझे शूट करना है, व्लॉग शूट करना है. रोज वाला जो वर्जन है ये तब के लिए बहुत अच्छा है जब मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर ब्रंच के लिए जाना है. चेरी टिंटेड लिप बाम गिव्स मी अ चेरी लिप्स फॉर अ मूवी डेट. तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर्स अलग अलग ओकेशंस पे लगा सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स का मैं लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे. मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल है नायका, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे, एंड साथ ही साथ ये अब ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है. आपके ऑब्वियसली नियर बाय कोई ना कोई स्टोर होगा ही होगा जहां पर इनके प्रोडक्ट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे. एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ की वेबसाइट से, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लान. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तो चेकआउट जरूर करिएगा इन प्रोडक्ट्स को. तो चलिए आगे व्लॉग को बढ़ाते हैं. मैंने कल थोड़ी सी व्लॉगिंग किया है, जो मैं शूट के लिए जा रही हूँ वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ. हाय एवरीवन, सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा प्री नहीं होता है, मतलब मैटरनिटी शूट करवाने. भोपाल में लोकेशन, अभी बारिश हो गई है, मतलब पता नहीं अगर आप इफ यू बीन टू भोपाल और नॉट, बट आपको कोने कोने पे सुंदर लोकेशन मिल जाएगी. मतलब मैं कहीं पे भी खड़ी हो जाऊँ ना वहां पे भी पीछे बैकग्राउंड इतना जबरदस्त आएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ. और लोकेशन का हमको आइडिया है, ये हमने प्री वेडिंग वगैरह करवाया था. तो अभी फॉर नाउ आज के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. अगर मेरा आज का बहुत बेस्ट हो गया, और पता है आप पता ही 50 फोटो निकलवा लो उसमें से 2 या 3 बेस्ट फोटोज होती है. और फिर मैंने ना बहुत रिसर्च भी किया, पोजेज वगैरह देखे कि कुछ क्या पोज होते हैं, तो वो सबके पोज जितने भी मैंने फोटोग्राफर्स के पेजेस देखे इंस्टाग्राम पे, मुश्किल से 4 या 5 पोज होते हैं उनमें ही फोटोज निकलवाना है. तो एक हम बीच लोकेशन पे करवा चुके, वो बहुत परफेक्ट आया था, तो वैसा ही एक मेरे को यहाँ क्लिक कराना है. तो 1-2-3 फोटो शॉट्स अगर परफेक्ट आ गए तो हमारा काम हो जाएगा. वैसे बचाने वाली बात नहीं है, अगर आज नहीं हम सक्सेसफुल होते हैं तब तो फिर कराएंगे, वो भी ऑप्शन है, बात कर रखी है मैंने 2-3 लोगों से. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम यहाँ केडी से निकल रहे हैं, मतलब कलियासोत डैम. यहाँ पे बहुत डैम्स हैं, तो इतने सुंदर सुंदर लोकेशन है. मैं आपको वो लोकेशन अभी दिखाती हूँ, मैं कैमरे से नहीं कर रही हूँ अभी. वाह, हम जा रहे हैं एक उपमनम नर्सरी करके है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लोकेशन है, मैं कभी वहाँ नहीं गई. यस लेट्स गो. यार अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि मेरे बाल ना बिल्कुल भी ढंग से नहीं हुए हैं. मैंने बोला ना जब किसी इवेंट के लिए बाल करना होता तब नहीं अच्छे से होते, और वैसे फोकट में मैं शूट करती हूँ तो मेरे बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट ये वो सब मैं ठीक कर लूँगी. तो यस गाइज, सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ हम आए हैं. पीछे बहुत 2 एकड़ की पूरी प्रॉपर्टी है ये, एंड अमेजिंग प्रॉपर्टी है भाई. ओके गाइज, आई जस्ट टुक शावर और मैंने अभी हेयर वॉश नहीं किया. अभी मैं अपने स्किन केयर में, मैं आपको फेस मास्क बता दूंगी
क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, लोगों की स्किन डल हो जाती है, कुछ की स्किन बहुत ग्लो हो जाती है, ग्लोई हो जाती है. तो यूजुअली आई हर्ड दिस वर्ड प्रेगनेंसी ग्लो. भाई मेरे फेस पे तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी. 8 मंथ स्टार्ट हो गया है, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज प्रेगनेंसी ग्लो. आज मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई थी, आटे का, मतलब पोटैटो मैश करके. और आटा जो होता है ना, क्योंकि अपन बेसन की हर चीज़ डीप फ्राई करके खाते हैं, तो आटे को घोल करके पूरा उसकी रोटी बना के उसके ऊपर वो लगा के, मैं इसकी पिक्चर डाल दूँगी यहाँ पर. प्रोसेस तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं उठी उससे पहले, उन्होंने काफ़ी काम ख़त्म कर दिया था. मैं आज थोड़ा लेट सो के उठी हूँ, वैसे मैं उठ जाती हूँ 7:30 से 8 के बीच में उठ जाती हूँ, बट आज मैं काफ़ी लेट उठी थी. तो देखिए अभी लगा करके थोड़ा इरीटेशन दिख रहा है, फिर रेड ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा. टुमारो आई विल बी गोइंग फॉर माई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. कल मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ. रूटीन चेकअप है नॉर्मल, मतलब अब क्या होता है ना, 7th मंथ से उन्होंने हमको 20-20 डेज में बुलाना स्टार्ट कर दिया था 7th मंथ में. तो मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो है डॉक्टर आबा जैन, काफ़ी पुरानी, बहुत पुरानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं भोपाल की. अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले निशा का कॉल आया. निशा बोलती तुमने अपना बेड वगैरह बुक कर लिया, 5th-6 मंथ में बुक कर लेते हैं भाई. तो मैंने कहा यहाँ भोपाल में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेट्रो में ऐसा होता है कि आपको काफ़ी पहले से, बिकॉज क्राउड भी बहुत ज़्यादा है. भोपाल में ऐसा कोई इशू नहीं है. मेरी बेस्ट फ्रेंड और हम दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे हमारा प्रेगनेंसी था, सिर्फ 1 मंथ आगे पीछे, मतलब मैं 1 मंथ पीछे हूँ और वो 1 मंथ आगे है. 7th मंथ में ही डिलीवरी हो गई है. तो वो और हम लोग सेम ही हॉस्पिटल में जा रहे थे, बट क्योंकि ऑपरेशन कुछ ऐसा कुछ हुआ था तो शी वेंट टू बंसल. बंसल के बाद वो जो बाकी का पोस्ट ट्रीटमेंट करवा रही है वो अगेन आबा जैन के ही करा रही है. हॉस्पिटल इज़ वेरी गुड, बहुत 5-स्टार फैसिलिटी नहीं है, नॉर्मल है, बहुत फैंसी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल आप होटल में रह रहे हो. तो अभी मैं देखती हूँ क्या करूँगी. अभी मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह करूँगी अपना, और उसके बाद फिर बाहर जाके बैठूँगी. अभी मेरे पापा की बाहर फिजियोथेरेपी चल रही है, तो पूजा वगैरह करती हूँ, वो मैं शूट नहीं करूँगी, वो करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. आई जस्ट टुक अ वेरी गुड नैप. मतलब मैं वैसे रोज़ नहीं सोती हूँ, बट सम डेज़ आई फील वेरी स्लीपी एंड सम डेज़ आई फील वेरी एनर्जेटिक. सो इट्स टू वे राउंड, मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ. ऑल्सो आई गॉट वन मोर थिंग. सो मैंने आई थिंक इस वीडियो से पहले आप लोग मेरे गिफ्ट्स देख लोगे, गिफ्ट वाला वीडियो देख लोगे, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि 5 गिफ्ट्स दिए हैं जिसमें से एक ये है. तो एंड मैं तो ढूंढ रही थी कि भाई मुझे जिप वाला ही, माइकल कॉल्स में तो काफ़ी बैग में जिप आती हैं, तो मैं देख रही थी कि कंपार्टमेंट्स होने चाहिए. मैं इतना एक्सपेंसिव वो कर रही हूँ तो थोड़े उसमें कंपार्टमेंट होने चाहिए डेफिनेटली. इसका एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा है कि ये बिकॉज ऑफ दिस चेन हल्का सा हैवी है, हैवियर साइड है, इसलिए मैंने आज भी ये मंगवाया हुआ है. कलर है और इसका जो ब्राउन कलर है ना वो ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, और ये भी गोल्डन टोन में है तो बड़ी अच्छी लग रही है, और यहाँ से इसमें जिप लग जाएगी. तो मैंने ये सोच के रखा है, यूजुअली होता है ना बहुत एक्सपेंसिव बैग है तो उसको यूज़ कम करना है, अच्छी जगह पर जा रहे हैं तभी यूज़ करना है, पर मैंने ये सोच रखा है मैं इसको ज़बरदस्त तरीके से रगड़ने वाली हूँ, हर जगह इसको लेके जाऊँगी, हर जगह यूज़ करूँगी, पैसा वसूल करूँगी एक एक बिल्कुल इसका एक एक तिनका तिनका. दिस इज़ माई बैग, आई लव दिस बैग. मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब मैं इसको लेकर के जाऊँ अपनी कहीं फ्रेंड व्रेंड से मिलने के लिए. दूसरी चीज़, व्हाट आई एम वेयरिंग, मैं अपनी ड्रेसेस को लेकर के भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, तो पता नहीं वो इसके पहले जाएगा या इसके बाद जाएगा, बट घर में मैं यूजुअली जो पहनती हूँ ना वो मैं जो नॉर्मली पहनती हूँ, आपने देखा होगा मैं नॉर्मली XXL साइज़ के टी शर्ट्स पहनती हूँ. बस ये है कि मैं अभी XXL साइज़ की टी शर्ट्स पहन रही हूँ, XXL एंड XXL साइज़ की टी शर्ट्स पहन रही हूँ, पहन मैं वही रही हूँ, टी शर्ट्स ही पहन रही हूँ. और ये मैंने आज पहना है, एक मैंने कुर्ता मंगवाया था अमेजन से, ये मैंने आज पहना हुआ है. हमारे यहाँ आप मुझे बताना आपके ऐसा होता है कि नहीं होता है. जैसे 8 मंथ में मेरे ऐसे बोला जाता है कि जो प्रेगनेंट वेमेन होती हैं उनको नदी नाले पार नहीं करने चाहिए 8 मंथ में, बोलते हैं. और नॉट इवन माय होम, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के घर से भी क्रॉस चेक कराया, तो उन लोगों के अभी सिमिलर चीज़ होती है. तो ऐसा मेरी मम्मी बताई थी कि विष्णु पुराण या शिव पुराण में लिखा हुआ है कि इस टाइम पर बच्चे की किस्मत लिखवारी हो रही होती है. तो मैंने मम्मी को बोला है चीज़ की अब आप बताओ अगर जो लड़कियाँ जॉब कर रही हैं वो फिर कैसे वो मैनेज करेंगी. तो फिर मेरी मम्मी बोलती नहीं मैं भी जाती थी जॉब करने, ऐसा नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं, मानने वाले मानते हैं, उनको ही पता है, वो स्ट्रिक्टली मेरे ऊपर नहीं थोपती है. क्या मैंने ये चीज़ मानी है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं आसपास के लोकेशंस पे तो जा रही हूँ. मुझे एक्चुअली जो मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 7th मंथ का बोला था कि 7th मंथ में थोड़ा ट्रैवल कम करना, इंटर स्टेट मत करना ट्रैवल या इंटर सिटी मत करना, क्योंकि उनको पता था कि मैं मुंबई भोपाल बहुत कर रही हूँ. तो डेफिनेटली वो मैंने बंद कर दिया है, बहुत दूर नहीं जाती हूँ मैं, लेकिन आसपास मुझे कुछ लेने जाना है या कुछ काम है या कुछ है तो फिर मैं चली जाती हूँ, फिर मैं नहीं इतना वो करती हूँ. तो वैसा है, कुछ चीज़ें मैंने बोला ना, मैं कुछ चीज़ें मान रही हूँ फुल फ्लेजिडली, और कुछ चीज़ें मैं अपने
हिसाब से भी कर रही हूँ तो वैसा है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में या फिर डायरेक्टली कल मिलती हूँ। हाई एवरीवन, और आज हम लोग जा रहे हैं डीबी मॉल, हम लोग वहीं जा रहे हैं और साथ में मेरे साथ मेरी एक जो कैरेटलिन की चेन है गंदी तरीके से उलट चुकी है। मैं पिक्चर डालती हूँ यहाँ पर, नहीं तो मैं दिखा दूंगी अभी मोबाइल से जब ब्लॉक करूंगी तब, तो उसको मुझे शॉप पर डालना है कि भाई इसमें क्या हो गया है, इसको ठीक करिए, नहीं ठीक हो रही है तो फिर उसको फैक्ट्री भेज के जो भी करा सकते हैं वो कराइए। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि अभी मैंने लड्डू खाया है बेसन का। पहना हुआ है ये ट्रू ब्राउन्स का बहुत ही अमेजिंग सा ड्रेस, ट्रू ब्राउन का ये कुर्ता और ये प्लाजो। अच्छा, जब मैं ये सब दिखा रही थी ना तो कुछ लोगों को डाउट हो रहा था दैट मे बी आई एम प्रेगनेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट्स वाई आई एम बाइंग वेरी लूज क्लोथ्स, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बाद में भी पहनने वाली हूँ बिकॉज ये बहुत ही स्मार्ट पीसेज है। ओके, तो चलिए चलते हैं। So, हम लोग निकल गए हैं एक्चुअली अभी रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गए। कल विक्की और मेरी मदर इन लॉ ये लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। विक्की का बहुत मन था जाने का, वो उसने मुझे पिछले मंथ ही बोल दिया था कि वो सावन में जाएगा, बहुत खतरनाक रश होने वाला है तो मैं तो जा नहीं पाऊंगी। मैंने भी उसको बोला चलो अच्छी बात है जाओ भी, क्योंकि आपको पता होगा जनवरी में हम लोग जब उज्जैन गए थे मुझे पता नहीं था दैट वी कंसीव्ड ऑलरेडी, बट हमने जो सबसे पहला आई थिंक गए हैं हम महाकाल के दर्शन करने ही गए, तब मैं प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, सो इसके लिए वो जाना चाहता है। तो इससे मेरा 9th month स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद टीनू भी आ जाएगी तो तब मैं इन लोगों को मना करूंगी कि तब मत जाओ, तब थोड़ा सा मुझे ऐसा रहेगा कि भाई घर पे रहो क्योंकि यू नेवर नो। अच्छा हाँ, एक और चीज, मुझे अपना आईफोन भी देखना है, तो आपको पता होगा आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। मैंने बहुत दिन पहले से बोल दिया था कि मैं बहुत टाइम पहले से, जब भी 11 चल रहा है अभी मेरा आईफोन 11 चल रहा है, तो जब मैंने आईफोन 11 लिया था तब मुझे विक्की ने बोला अब नेक्स्ट आईफोन 15 आएगा। हालांकि मैं उसकी बात इतनी नहीं मानती हूँ, बट जो जेन्युइन बोलता है वो मैं मान लेती हूँ। आपने बोला नेक्स्ट आईफोन 15 आएगा, तो अभी 15 लॉन्च हो रहा है 23rd। ये जेन्युइनली इसलिए मेरी बात मानती है क्योंकि इसने एक साल में 3 फोन बदले हैं। एक साल में 3? हाँ। थोड़ा कम फेंको, अंबानी की औलाद नहीं हूँ मैं, उससे कम भी नहीं कर रही थी। ये थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर देता है मेरी चीजों को है? बदले हैं मैंने और मैं रिग्रेट भी कर रही हूँ। एक ही साल में बदले नहीं, नहीं, ये फेंक रहा है, इतना नहीं है, इतनी नहीं रही सी और इतना कमाती नहीं हूँ मैं एक साल में 1-1 लाख के फोन 3 खरीद लूंगी। सो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी आपकी उम्र की चक्कर में सारा सब सच हो जाए इसको जा... रही से ही देख करके ना अंबानी अपने आप को गरीब समझने लग जाता है कई बार। वाह वाह, मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए भाई, कौन नहीं चाहता है ना। सो मैं सेटिस्फाइड इंसान हूँ, ये गलत बोल रहा है कि मैं रहती इस तरीके से हूँ, मतलब मैं कभी भी क्रिप नहीं करती पैसा वैसा को लेकर के, भले मेरे पास हो नहीं हो जो भी हो, तो वैसा बेकार। अभी कैसा चिकना चिकना लग रहा है, वो रिच कपड़ा लग रहा है, कॉटन लग रहा है अलग ही। लोग बोलते हैं लड़कियां बहुत शॉपिंग करती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं, कोई विक्की के साथ शॉपिंग करने के लिए आओ। अभी ये शूज़ देखने के लिए गया था नाइकी पे और ये पिछले पता नहीं इसने ले लिए हैं, 2 शूज़ ले चुका है ये, नाइकी ले चुका है और एक और ले चुका है, और इसके शूज़ कोई सस्ते नहीं आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। अभी ये पता नहीं कौन सा नाइकी का ब्रांड वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इतना टाइम लगाता है ये और ये मुझे बोलता है अब मैं इसको पकड़ के लेके जाऊँगी अपनी पसंद की शॉप पर। सो दिस इज़ माई डिनर प्लेट, इसमें है 2 चपाती और मूंग की दाल और साथ में अरबी के पत्ते जो कि हमारे घर में ही लगे हुए हैं ऊपर टेरेस पे, उसकी सब्ज़ी और साथ में मैं खाती हूँ एक बेसन का लड्डू जो कि मैंडेटरी होता है, मुझे कुछ मीठा खाना होता है खाना खाने के बाद, या तो ये खाती हूँ या फिर गुलाब जामुन खाती हूँ या हलवा खाती हूँ, सब कुछ होममेड ही खाती हूँ मैं। उसके बाद ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, अगेन सब कुछ इसमें होममेड है, पोहा एंड साथ ही साथ जलेबी। I
हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे. सो कल हम लोग मॉल से कुछ नहीं लेकर के आए, सिर्फ विक्की के लिए शर्ट लेकर के आए हैं. चेन बिल्कुल टैंगल हो गई थी, वो अच्छे से कैरेटलिन वालों ने डिटैंगल कर दी. उनके पास कुछ कुछ रहता है तो उन्होंने कर दिया, तो मैं यही हंस रही थी. मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अगर नहीं होगा तो फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या उसको कंपनी भेजोगे? तो उन्होंने नहीं मैम हो जाएगा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंप्लेंस आते हैं. सो एक्चुअली आई वेयर ना दिस काइंड ऑफ चेन्स है ना, एकदम पतली पतली, ऐसे पतली पतली, तो ये भी बहुत उलझती है, मतलब इनमें एकदम गठाने लग जाती है बहुत ही गंदी तरीके से. सो आई हैव टू फिगर इट आउट. और उसके बाद फिर हम लोग जब तक है ना वहाँ पर वो काम चल रहा था, तो वी जस्ट वेंट टू तनिष्क. वाई? बिकॉज मेरा जो कज़न है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मेरा एक कज़न आने वाला है मुंबई में, मेरी मासी का जो बेटा है जो मेरे बहुत क्लोज है, ये वो ऐसे करके, तो उसकी जिसकी शादी की मुझे एक वो है कि अच्छी लड़की आनी चाहिए. सो उसकी शादी फिक्स हो गई है, रोका हो गया है उसका, एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड. मतलब मेरे कुछ एक दो कज़न्स हैं जिनसे मेरी बहुत पटती है, वैसे मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं और सब मतलब बहुत क्लोज है, तो ये जो दो हैं ये कैसे हैं, हमारा हम लोगों की पट्टी बहुत ज़्यादा है. तो मैं लिटरली चाहती थी कि इनकी वाइफ अच्छी आनी चाहिए भाई, मतलब अच्छी इन द सेंस मीन्स जैसे वो अमन की शादी हुई थी जनवरी में, उसकी वाइफ मुझे बड़ी पसंद है, उसके ऊपर से वाइफ ही मुझे बहुत अच्छी आती है. ऐसे ही अभी जिसके साथ अभी इसकी शादी फिक्स हुई है ना, इट शुड बी ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए. नेचर अच्छा होना चाहिए, थोड़ी चटपटी, बात करने में अच्छी हो, स्माइली फेस हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बिल्कुल मुँह फुलाए मुँह सड़ाए बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं चाहती थी कि भाई इसकी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेरे से क्लोज है. वैसे तो मेरी जितनी भी सिस्टर एंड लॉज हैं, चाहे वो मेरी ननंदें हों या फिर मेरी इधर साइड मतलब मेरे भाइयों की भाभियाँ, सबके साथ मैं बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, मस्त रहती हूँ, चिल रहती हूँ एकदम. तो अभी मैं बालों में लगा रही हूँ थोड़ा सा दही, क्योंकि मेरे साथ फेस पैक लगाऊंगी. आज संडे है, विक्की और मेरी मदर लोग गए हुए हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, वो लोग आज आ भी जाएंगे. सो यस, मैं आपको बताती हूँ कि अपने फेस पैक पे क्या क्या मिलाती हूँ. तो ये है राइस वाटर, जो अपन चावल बनाते हैं ना तो उस टाइम पे मैं ये पानी निकलवा लेती हूँ. और जो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें बेसन है और जो मूंग दाल होती है उसका पाउडर है और साथ ही साथ चंदन है. तो थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चंदन पाउडर ले रही हूँ, और ये मूंग दाल नहीं सॉरी मसूर दाल जो रेड कलर की होती है ये वो है, उसको पीसा हुआ है, उसका पाउडर है, घर पे ही बनाया है हम लोगों ने. और बस ये तीनों को आपको मिक्स कर लेना है, ऐड कर लेना है, इसमें थोड़ा सा शहद डाल लेना है. आप चाहें तो यहाँ पर रोज़ वाटर डाल सकते हैं या फिर राइस वाटर डाल सकते हैं. दाल है, सब्जी है, देर चपाती है और थोड़े से चावल, सेव और एक लड्डू. दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माय लंच. हाय गाइस, तो अभी आई जस्ट वोक अप, थोड़ा सा मैं सो गई थी, एंड ये देखिए मेरे बाल. और मैंने आपको अपना फेस वगैरह नहीं दिखाया था, मैं कुछ भी नहीं लगाया मेरे फेस पे, वो जो पैक लगाती हूँ उसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. गाइस, विक्की आ चुका है उज्जैन से और मेरे लिए आया है पोटली भर के सामान. तो ये तो है प्रसाद के लड्डू जो कहाँ से है जो हम सब खाएंगे. फिर मैंने ये मंगवाया था जो कि ये एक लेकर के आया, मैंने इसको बोला था चार पांच पैकेट लेके आना, एक आया है. फिर ये अगरबत्ती है, चार पांच पैकेट के ऊपर ना आपको बैठा देंगे अपन, है ना. और एक जलाओ तो भी 11 दिन. ये लड्डू आए हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, फिर ये सेव आई है, और ये जो नानी जी उन्होंने बना के भेजा है मेरे लिए, और ये आया है अष्टगंध. सब जगह से चीज़ें आ रही हैं मेरे लिए. तो आज का जो व्लॉग है ना काफ़ी लंबा हो गया है, ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. मैं एडिटिंग कर रही थी तो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने एंड ही नहीं किया है इसको, पता नहीं कुछ भी चल रहा है कहीं पे भी क्या भी. जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं थोड़ा सिस्टमैटिक बनाती हूँ. ये वाला जो वीडियो है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.